फ्रेंड्स, मुझे करानी थी राखियां कोरियर, तो मुझे जाना था पोस्ट ऑफिस, सेक्टर 34 नोएडा, एनटीपीसी की बिल्डिंग, उसी के साथ है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं आज पोस्ट ऑफिस। और फिर आते आते हो गई बारिश, बारिश का भी ले लिया मैंने आनंद। और उसके बाद शाम को इतनी बारिश हो रही थी कि मुझे ऑफिस जाना पड़ा शोनी को लेने के लिए। नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आपके हाल? हम भी बढ़िया हैं नोएडा में। आशा करते हैं आप जहाँ भी होंगे सब बढ़िया होंगे और छोटों को बहुत सारा प्यार। बच्चा पार्टी तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपनी राय बरेली के। सो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है टेरेस से। थोड़े से कपड़े थे, बैग था, वो मैंने वॉश करा है, थोड़े से इधर है। और यहाँ पर कोई रूल नहीं है, तो जो आंटी है वो बहुत अच्छी थी, उनसे मैंने कहा तो नू कह रही है कि तू कोई टेंशन ना ले। मैं कहा आंटी मैं कोई टेंशन नहीं लेती, बट ये आज धूप तो अभी बहुत तेज़ है। मैं बस कपड़े डाल के मुझे आज जाना है पोस्ट ऑफिस। मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगी, जाऊंगी फिर आपको भी दिखाऊंगी। तो व्यू देख रहे हो, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन मौसम बदलते बदलते पता ही नहीं चलता, एकदम वेदर चेंज हो जाता है। इधर बादल लग रहे हैं थोड़े। वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि टेरेस पे कोई रूल वूल हो, तो मैंने पूछ लिया था, तो आंटी कह रही थी नू कह रही हूँ कोई रूल शूल कुछ ना है, तेरा मन जहाँ करे तो वहाँ कपड़े डाल, कोई कुछ कहे तो मेरे को बता दे। पर मैंने कहा आंटी मैं ही बहुत हूँ इसके लिए, तो बस मेरा पूछने का एक फ़र्ज था। तो वैसे भी यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग कपड़े डालते नहीं है, सब नीचे अपने फ्लोर पे डाल देते हैं। और मुझे फ्लोर पे कपड़े सुखाना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे सनलाइट में ही कपड़ों को सुखाना पसंद है, इस वजह से मैं थोड़ा टेरेस पे भी आ जाऊँ। और अभी देख रहे हो फिर बादल आ गए, अभी धूप थे फिर बादल आ गए, कुछ पता नहीं चल रहा मौसम का। तो भाई लॉन्ग, और मैं जा रही हूँ अभी पोस्ट ऑफिस, क्योंकि मुझे राखियाँ डिस्पैच करवानी है, कोरियर करवानी है। तो मैं भी देख के आ रही हूँ यहाँ पे कहाँ पर है पोस्ट ऑफिस का ऑफिस। रक्षाबंधन आ रहे हैं, तो मैंने जल्दी से पैक कर ली थी, खरीद ली थी, अब मैं जा रही हूँ आज राखियाँ पोस्ट करने, होपफुली खुला हो। फिर मैंने गूगल सर्च किया और एक दिन देखा भी था एनटीपीसी की जो बिल्डिंग है वहाँ पे है पोस्ट ऑफिस, तो वहीं जाती हूँ। सो दोस्तों, वैसे तो यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस था, बस मेरा 10 से 15 मिनट का वॉक इन डिस्टेंस था, पर रिक्शा आ गया तो मैंने सोचा 10 रुपये का शेयरिंग रिक्शा, जिसने मुझे छोड़ा एनटीपीसी बिल्डिंग के एकदम सामने, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है सेक्टर 34 एनटीपीसी बिल्डिंग के साथ ही है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो एनटीपीसी का बिल्डिंग, इसके अपोजिट में इस्कॉन टेम्पल है, इसी के अपोजिट में रजिस्ट्रार ऑफिस है सेक्टर 33 रोड के उस पार, और इधर 34, और ये सामने पोस्ट ऑफिस। एनटीपीसी की बिल्डिंग में ही उसी के साथ यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस लगता है सेक्टर 34 का। सो फ्रेंड, जैसे ही मैं पहुंची बहुत भीड़ थी, क्योंकि मैंने सोचा 4 बजे तक तो खुला होता है पोस्ट ऑफिस, वहां पे गई तो 10-12 लोग ऑलरेडी थे। ये सामने देखो इसका फोन नंबर था, गूगल पे मैंने जब किया था तो लैंडलाइन नंबर नहीं मिल रहा था, वो गलत था, ये नंबर है। और बोर्ड पे लिखा था 3 बजे का टाइम, लेकिन अगर आपको स्पीड पोस्ट कराना है तो 4 बजे तक होता है। इन्होंने मुझे बताया था कि सेक्टर 19 में भी है, वहाँ पे 5 बजे तक होगा, बट मैं खड़ी रही और 4 बजे तक मेरा नंबर आ गया था। स्लो था स्टाफ, थोड़ा अपना कुछ काम कर रहे थे, कुछ पोस्ट कर रहे थे, उनका सिस्टम सर्वर भी कम चल रहा था, तो लेकिन मेरा काम हो गया था 4:15 तक, तो मेरी राखियाँ कोरियर हो गई थी आज। और फ्रेंड्स, आप ये गोंद की डिब्बी देख रहे हो ब्लू कलर की, मोस्टली आपने देखी होगी पोस्ट ऑफिस अगर आप गए, और जब हमारे पापा लोग मिनिस्ट्री में ऑफिस में तो वो भी लेके आते थे, इसके अंदर एक प्लास्टिक का ब्रश होता था, तो ये गोंद की शीशी उस टाइम पे हमारे घर में बहुत देखने को मिलती थी, अब ये पोस्ट ऑफिस में ही देखने को मिलती है। और ये नंबर है, आपको कभी भी बात करनी हो तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस का, ये लैंडलाइन नंबर। मैंने तो करा ली अपनी राखियाँ पोस्ट, बस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत स्लो चल रहा था। और यहाँ पे इधर है एनटीपीसी का, ये एनटीपीसी का ऑफिस है, बिल्डिंग है, और ये सामने देखो पोस्ट ऑफिस है। तो गाइस, जैसे ही मैं आई पोस्ट ऑफिस में, बहुत तेज बारिश आ गई थी, मेरे पास छतरी थी लेकिन मैं छत पे आई थी, कपड़े सूख रहे थे, वो गीले हो गए, अब मैं दोबारा छत पे आई हूँ कि मैं अब भीग लेती हूँ। तो देखो बहुत तेज बारिश आ गई है और मैं आज मैं भीग लेती हूँ बारिश में।
अब चलते हैं नीचे, नोएडा की बारिश का भी आनंद ले लिया है। मेरे हाथ में पन्नी है और एक अम्ब्रेला मैं लेके जा रही हूँ। शोनी की छुट्टी हो गई और बहुत तेज़ बारिश आ रही है, तो मैं शोनी को लेने जा रही हूँ और इसमें रखूँगी शोनी के जूते और चप्पल लेके जाने हैं। शोनी ने बोला वो चप्पल पहन के आएंगे फिर, तो खड़े हैं चलते हैं। अगर वहाँ तक ऑफिस के बाहर गेट तक आपको दिखा पाऊँ तो अब बताओ। अब शोनी को लेने जा रही हूँ और मैं जब आई थी ना पोस्ट ऑफिस से तो मेरी छतरी यहीं रखी, तो मैं तो अपनी छतरी लेके जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और शोनी आज अम्ब्रेला ले जाना भूल गए थे, और आप देख रहे होंगे इधर ई रिक्शा है, बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि सामने ऑफिस के हैं केंद्र विद्यालय और केंद्र विद्यालय की इवनिंग की अभी बस छुट्टी हुई है, तो सभी बच्चे आ रहे हैं ई रिक्शा से जा रहे हैं, कईयों के पेरेंट्स लेने जा रहे हैं, बसेस खड़ी है स्कूल की, तो इसलिए भी बहुत रश हो रखा था इस टाइम पे यहाँ पे। तो मैं भी बस जा रही थी जल्दी जल्दी और बारिश कंटिन्यू चल रही थी, और आप देख सकते हैं इतना रश हो रखा है क्योंकि केंद्र विद्यालय के बच्चों की अभी छुट्टी हो रही है। केंद्र विद्यालय, बच्चों की छुट्टी हो रही है और ये है अभी मेन गेट। गाइस पहुंच चुके हैं, लेके आ गई मैं शोनी को। ऐसे तो मैं राय बरेली में भी नहीं लाई, आज मैं शोनी को यहाँ लेके आई हूँ।